जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। दोस्तों, एक और जन्म कुंडली का हम अध्ययन करते हैं। ये जो जन्म कुंडली है ये पुष्पेंद्र रेही जी की है। पुष्पेंद्र रेही जी, आपने जो कमेंट की थी बर्थ डिटेल, उसका मिलान कीजिए। 1/12/1991 11:22 AM अर्थात दोपहर का जन्म है, मथुरा यूपी। आपने जो डिटेल दी है उसके अनुसार कुंभ लग्न आपका है, मकर लग्न आपका है। मकर लग्न में स्वामी शनि होते हैं, धनेश भी, परिवारेश भी शनि होते हैं। खुशी की बात यह है, शनि प्रथम भाव में मकर लग्न में अपनी राशि में स्थित हैं, अर्थात सस नामक राजयोग बनाए हुए हैं। साथ में देखा जाए इनके परम मित्र शुक्र तुला राशि में कर्म भाव दशम भाव में स्थित हैं, जो मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र भी मजबूत पोजीशन में है, शनि भी मजबूत पोजीशन में है। बात करें सूर्य मंगल बुध एक साथ एकादश भाव में लक्ष्मी के भाव में विराजमान है, सूर्य मंगल प्राक्रमी योग। लग्न आपका 25 डिग्री का है, ठीक है। लग्न आपका कन्या राशि है, थोड़ा सेंसिटिव रहेंगे, इमोशनली रहेंगे, परिवार वालों के प्रति ज़्यादा सोचेंगे, हर किसी से राय मांगेंगे, तो ये थोड़ा सा आप सावधान रहें। राहु की महादशा 16/5/2021 तक चली हुई है, जिसमें चंद्रमा की अंतरदशा 29/4/2020 तक है। डिप्रेशन होना तय है, लेकिन चंद्रमा भाग्य भाव में बैठे हैं सप्तमेश होकर अपने ही नक्षत्र में, बहुत गजब फल आपको चंद्रमा से मिलेगा। शादी होने के बाद अद्भुत भाग्य उदय होगा। माँ की सेवा जरूर करें, माता को रात्रि में दूध पिलाएं, उनकी सेवा करें, जितना वो प्रसन्न होंगी उतना ही आपका लक आपका साथ देगा। डिप्रेशन जो है, आर्थिक स्थिति जो बिगड़ी हुई है, अब वो धीरे धीरे सुधर जाएगी, बहुत जल्द ही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। डिप्रेशन आपका उतर रहा है इस महीने। राहु से संबंधित मैंने उपाय पिछली वीडियो में बताए हैं और वीडियो भी डाल रखी है, आप देख सकते हैं। राहु का उपाय, कुत्ते को रोटी डालने की आदत डालें, चींटियों को आटा डालने की आदत डालें, गुरु को मजबूत करें। कुल मिला के गुरु आपके, इनकी महादशा राहु के बाद गुरु की महादशा शुरू होने वाली है और गुरु आपके लिए द्वादशेश और प्राक्रमश तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, तो द्वादशेश होकर भी गुरु ज्ञान देते हैं और द्वादशेश होकर वो थोड़ा धन कम रखेंगे, मतलब परीक्षाएं ज़्यादा लेंगे, तो आपको मैं पहले सावधान कर रहा हूँ, तो सोच समझ कर निर्णय लेना है माता पिता के साथ में। और जैसी भी नौकरी आपको मिले उसे स्वीकार करनी है, क्योंकि नौकरी में समस्याएं अवश्य आएंगी, आपका मन नहीं लगेगा, किसी के अंडर में रहकर आप काम नहीं कर सकेंगे। सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी आपकी 2021 16/5/2021 के बाद चांस बढ़ जाएंगे, सरकारी नौकरी आपकी पक्की है। नौकरी के अलावा आप गाने बजाने में भी काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में भी काम कर सकते हैं, बैंक की जॉब में भी आप काम कर सकते हैं, दुकानदारी, कच्चे कपड़ों का बिजनेस आप कर सकते हैं। शुक्र भी आपका मजबूत अच्छा है, मजबूत है, तो स्त्री जाति की जितनी हो सके सेवा कीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए, उनको उपहार दीजिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो माँ की सेवा कीजिए, अद्भुत आपकी कुंडली है, बहुत कुछ आपको मिलेगा। राहु द्वादश भाव में नीच का ऊपर बैठा है धनु राशि में, गुरु की पांचवी दृष्टि है, तो गुरु की सेवा करेंगे तो राहु अपना आप बैलेंस में आ जाएगा। राहु खां में खां का डर देता है, बारहवें भाव में काम में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए आप डिप्रेशन की स्थिति में चले गए थे। अब आपकी ये डिप्रेशन की हालत सही हो जाएगी और सरकारी नौकरी आपकी पक्की है, गारंटी है, आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा।
डिप्रेशन के लिए देखो, एक तो माँ की मैंने आपको सेवा बताया, कुत्ते को रोटी डालिए, आप किसी भी मंदिर में आप साफ सफाई कीजिए तो आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। शनि की आप सेवा करना शुरू कर दीजिए, शनिवार को तेल आदि चढ़ाना और रोजाना का रोजाना अगर शमी वृक्ष कहीं उपलब्ध होता है तो शमी वृक्ष की सेवा कीजिए। सायंकाल दीपक जलाइए, दशरथ शनि स्तोत्र, शनिदेव और शनिदेव की पत्नी के 12 नाम आप जपिए। शनिदेव आपके धनेश भी हैं, लग्नेश भी हैं, शुक्र के ऊपर उनकी दृष्टि, दशम भाव पर आपकी चिंताओं को, आपके जो दुर्भाग्य चल रहा है उसको दूर कर देंगे। तो सिर्फ आप इतना कीजिए, सरकारी नौकरी की तैयारी आप कीजिए, 2021 में लगने वाली है। तो फिर दोस्तों, आप वीडियो देखने के बाद शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए, और भी जो वीडियो है उनको आप देखिए, उनमें कमेंट कीजिए, और आप अकेले ही सब्सक्राइब कीजिए, करेंगे तो कैसे पार पड़ेगी। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों को, आस पड़ोस को, फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए ताकि लोगों के पास ज्ञान पहुँच सके। आंवले वाला मैंने वीडियो डाला था कुछ दिनों पहले, आप आंवले का प्रयोग भी शुरू कर दीजिए, अद्भुत रहेगा राहु की माता दशा में, और राहु का मैंने डाल ही रखा है, तो ये चीज़ आप कीजिए। मेरी आप और भी वीडियो देखिए, पढ़िए, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसी के साथ ही मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अन्य कुंडली के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।